हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत चिड़ियामा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3, जो कि क्लास 9th और 10th के लिए कॉमन लेक्चर होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जाके देखिए, उसके बाद में लेक्चर नंबर 3 देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है, आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, अर्थात बहुपद के शून्य का क्या मतलब होता है, और फिर इसके चार पांच अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम करेंगे जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद में हम जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद का शून्य निकालना सीखेंगे, और इसके भी कुछ दो तीन क्वेश्चन हम करके देखेंगे। इसके बाद में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करके देखेंगे जो कि एनटीएससी लेवल के होंगे या बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, अर्थात बहुपद के शून्य का क्या मतलब होता है। तो देखो, यहां मेरे पास एक पीएक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, यहां एक्स एक वेरिएबल है। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना सीखा था। हम उसी टॉपिक को यहां यूज करेंगे, और यहां क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की एक्स इजिकल अल्फा के ऊपर वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्स इजिकल अल्फा के ऊपर कितनी मिल जाए, जीरो मिल जाती है, ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, एक्स इजिकल अल्फा के पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमारे को एक्स इजिकल अल्फा के ऊपर यानी कि पी अल्फा हमें कितना मिल जाता है, जीरो मिल जाता है, तो हम बोलेंगे कि एक्स इजिकल अल्फा क्या कहलाएगा, इस वाले पॉलिनोमियल का एक जीरो कहलाएगा, अर्थात इसका एक शून्य कहलाएगा। तो शून्य का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में से समझ सकते हो कि वेरिएबल की कोई वो वैल्यू यानी वो मान जिसको रखने पे जो पॉलिनोमियल है उसका मान यानी कि उसकी वैल्यू कितनी मिल जाए, जीरो मिल जाए, या एक्स की वो वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को की वैल्यू को कितना बना दे, जीरो बना दे, वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, जीरो कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखो। इसके दो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, यहां देखो, जैसे कि पीएक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x-4। यहां अगर हम x बराबर 2 रखें तो देखते हैं क्या होता है, p2 बराबर क्या आएगा, 2 × 2 − 4 यानी 4 − 4 = 0, यानी कि हमारे को x बराबर 2 के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो मिल गई। तो हम बोल देंगे कि ये क्या होगा, इस वाले पॉलिनोमियल का एक शून्यक होगा। इसी तरीके से इस एग्जांपल में देखो, जैसे कि x बराबर 1/3 पे चेक करके देखते हैं, तो यहां क्या होगा, p 1/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 1/3 − 1, 3 से 3 डिवाइड हो गया, ऊपर 1 बचा, 1 − 1 = 0। तो यहां भी हमें 1/3 के ऊपर वैल्यू कितनी मिल रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है। तो बोल सकते हैं कि ये भी px बराबर 1/3 भी क्या होगा, px बराबर 3x − 1 वाले पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। मतलब ये भी क्या है, इसका एक शून्य है, अर्थात इसका एक 0 होगा। तो सबसे पहले हमारे को कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं वो देख लेना चाहिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करवाएगा, वो कुछ वैल्यू दे देगा एक्स की, और हमें चेक करके बताना है कि वो उसका जीरो है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे। अगर हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल जाती है, जीरो मिल जाती है, यानी कि शून्य मिल जाती है, तो हम बोल देंगे कि वो उसका जीरो है, अर्थात उसका एक शून्य है, वरना शून्य नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जीरो फाइंड करना सीखेंगे। भाई हमें क्या करना था, पहले वाले टाइप के क्वेश्चन में क्या था, वैल्यू देके चेक करवाता था है या नहीं है। अब क्या करेगा, जीरो फाइंड करवाएगा। तो उसके हम यहाँ पहले इस वाले लेक्चर में केवल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बात करेंगे, क्योंकि हमारे 9th वाले सिलेबस में केवल लीनियर वाला है, और जब हम 10th के लिए अलग से लेक्चर्स बनाएंगे, अभी तो दोनों के लिए कॉमन सीरीज है, तो अलग लेक्चर में क्या होगा, हम क्वाड्रेटिक वगैरह इन पॉलिनोमियल के भी जीरो फाइंड करना सीखेंगे। तो उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बनता है कि वो जीरो आपको बोल देगा कि दिया हुआ है कि इतना इतना इसका जीरो है, और आपको पॉलिनोमियल भी दे देगा। तो उसमें कुछ चीज क्या करेगा, वो अननोन कर देगा, मतलब कि अज्ञात कर देगा, उसकी वैल्यू फाइंड करवा लेगा। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो है या नहीं ये चेक करने वाले क्वेश्चंस करके देखते हैं, इसके अंदर कैसे सोल्व करेंगे इनको। देखो, जैसे एक पॉलिनोमियल दे दिया px = x³ − 6x² + 11x - 6,
तो हमें चेक करके बताना कि x बराबर 1, 2 और 3 आर द जीरो जो px और नो, यानी कि इसके जीरो यानी कि आधार शून्य है या फिर नहीं है, ये हमें चेक करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू के ऊपर, x के इन सभी वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के देखेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो मिल जाती है, तो हम बोल देंगे कि ये जो वैल्यूज है x की वो क्या होंगे, इसके शून्य होंगे वरना शून्य नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम 1 के लिए वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो p1 कितना आता है, देखो 1 क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6, तो ये 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो देखो माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 हो गया और 1 प्लस 11 12 हो गया, तो 12 माइनस 12 कितना आ गया, 0। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 1 तो क्या होगा, इसका एक 0 होगा अर्थात इसका एक शून्य होगा। फिर 2 के ऊपर वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो देखो 2 क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6, तो देखो 2 का क्यूब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा माइनस 6। तो देखो 8 प्लस 22 कितना हो गया, 30, और माइनस 24 और माइनस 6 ये माइनस का 30 हो गया, तो ये कितना हो गया 30 माइनस 30 इज इक्वल 0। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 2 भी क्या होगा, इसका एक 0 होगा। अब इसी तरीके से x बराबर 3 के ऊपर भी इसकी वैल्यू फाइंड करके देख लेते हैं। देखो 3 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, देखो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा माइनस 6 होगा। तो देखो 27 और 33 ये कितना हो गया 60, और माइनस 54 और माइनस 6 से कितना हो गया माइनस 60, जब इनको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाए। तो बोल सकते हैं कि x बराबर 1 2 3 ये तीनों के तीनों क्या है, इस वाले पॉलीनोमियल के शून्यक है अर्थात इसके जीरोज होंगे। अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। यहाँ क्या बोला है, हमें वेरीफाई करना है, जांच करके बताना है कि x बराबर माइनस 3 माइनस 2 1 2 ये क्या है, इस वाले पॉलीनोमियल के जीरो है, ये हमें चेक करके बताना है, जांच करना है, ठीक है। तो हम इसको भी सोल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, p माइनस 3 पे निकाल के देखते हैं इस वाले पॉलीनोमियल की वैल्यू, तो क्या होगा माइनस 3 की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 पावर 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 3 स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 12। तो देखो आगे इसको सोल्व करके मैं यहां लिख देता हूं, तो माइनस 3 की पावर 4 है यानी कि माइनस 3 को 4 बार गुणा करना है, तो पावर कितनी है, इवन है अर्थात सम है, तो जब माइनस माइनस को उनको गुणा करोगे वो तो लास्ट में कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 3 की पावर जब 4 करोगे तो वो कितना आएगा 81 आएगा। उसी तरीके से माइनस 3 का क्यूब करोगे तो पावर ओड है, तो जब माइनस माइनस को इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, माइनस का मिलेगा, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 मिलेगा, तो 27 माइनस के को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा, माइनस का 54 बन जाएगा। उसी तरीके से माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 63 बन गया, और यहाँ देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो गया, और 8 को 3 से करोगे तो 24 हो गया, और 24 फिर प्लस 12 हो गया। अब देखो माइनस माइनस वालों को सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं और प्लस वालों को सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो देखो 81 प्लस 20 कितना हो गया 101 प्लस 4 कितना हो गया 105 प्लस 10 कितना हो गया 115 और 2 117 माइनस, तो देखो ये कितना हो रहा है 4 और 3 7 हो गया, और 5 और 6 कितना हो गया 111, मतलब 117 माइनस 117 टोटल कितना आ गया 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर माइनस 2 तो क्या है, इसका एक 0 है। और हम इसके लिए आगे करके देखते हैं, देखा x बराबर माइनस 2 के ऊपर भी चेक करके देखते हैं क्या आता है, तो माइनस 2 की पावर कितनी आ गई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 की पावर कितनी होगी 3 है, 7 मल्टीप्लाई माइनस 2 स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 12। तो इसके लिए वैल्यू पुट करते हैं, देखो यहाँ पे पावर हुई इवन है अर्थात सम है, तो सारे माइनस आपस में लास्ट में प्लस बन जाएंगे, तो 2 की पावर 4 कितनी होगी, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, और यहाँ 2 की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ओड है पावर विषम है, तो जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस इनको तो क्या बनेगा, लास्ट में माइनस का बनेगा,
और 2 की पावर 3 कितनी होगी, 8 हो जाएगा। और 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 16 आ गया। फिर यहाँ देखो माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा, 8 को 2 से करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 12 हो गया। तो देखो 16 माइनस 16 तो 0 हो गया, और 16 और 12 28 हो गया, 28 माइनस 28 ये भी कितना हो गया, 0 आ गया। यानी हम बोल सकते हैं कि x बराबर -2 भी क्या होगा, इस वाले पॉलीनोमियल अर्थात इस वाले बहुपद का शून्यक होगा, 0 होगा। अब हम इसकी वैल्यू -1 के ऊपर भी फाइंड करके देख लेते हैं कितनी आएगी। तो 1 के लिए तो ज्यादा आसान है, देखो ये तो 1 आ गया, इसमें 1 का क्यूब करोगे तो भी 1 आएगा, ये 2 आ गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो केवल 7 आ गया। और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 8 आएगा, और प्लस 12 आएगा। तो देखो सारे प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 और प्लस 12 कितना हो गया, 15, और 7 और माइनस का 7 और माइनस का 8 ये माइनस का 15 हो गया। तो 15 माइनस 15 ये भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं x बराबर 1 भी क्या होगा, इस वाले पॉलीनोमियल का एक शून्यक होगा, इसका एक 0 होगा। अब हम इसकी वैल्यू भी फाइंड करके देख लेते हैं, 2 के ऊपर कितनी वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो 2 की पावर कितनी होगी, 4, तो वो डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ, वो कितनी आएगी, 16 आएगी। फिर 2 की पावर 3 वो 8 आएगी, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, प्लस का 16 आएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो माइनस का 28 आ गया। और 2 को 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 16 आएगा, और प्लस का 12। लास्ट में ऐसे कैसे दिया हुआ, तो देखो माइनस का 16 प्लस का 16 कट गया, और 12 और 16 ये 28 हो गया, और 28 में से 28 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 2 ये भी क्या है, इस वाले पॉलीनोमियल का एक 0 होगा। तो यहाँ चारों के चारों क्या है, इस वाले पॉलीनोमियल के क्या होंगे, शून्यक होंगे, अर्थात 0 होंगे। ये भी नोट कर लीजिए, फिर और आगे क्वेश्चंस करते हैं। इसके ऊपर हम 2 और क्वेश्चंस करके देखते हैं, फिर हम अगले वाले टॉपिक पे जाएंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कि इफ 0 ऑफ पॉलीनोमियल px x2 - 8x + k is the HCF of 6,12, then find the value of k। ये क्या बोल रहा है, देखो कि एक पॉलीनोमियल है ये वाला, इस पॉलीनोमियल का जो 0 होगा मतलब इसका जो शून्यक है वो क्या है, 6 और 12 का जो HCF आएगा वो HCF क्या होगा, इसका 0 होगा, शून्यक होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए इसका HCF फाइंड कर लेते हैं। तो देखो 6 और 12 का HCF क्या आएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ये 6 आ रहा है। आप लोग निकाल के देख लेना प्रॉपर तरीके से कि 6 के फैक्टर्स कर लेना, 12 के फैक्टर्स कर लेना, दोनों में से कॉमन पेयर्स उठाना, कॉमन जो दोनों जगह आ रहे हैं एक एक, उन सबको मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब ये वाला जो एक्स की वैल्यू, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक्स बराबर 6 है, ये इसका एक 0 है, शून्यक है। अगर ये इसका शून्यक है तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को कितनी बना देगा, 0 बना देगा। तो देखो कि हम वो इसका अगर ये शून्यक है तो मतलब P6 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, P6 की वैल्यू 0 के बराबर कर देते हैं, तो हमें K की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। तो देखो तो 6² - 8 × 6 + k = 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि x बराबर 6 इसका क्या है, एक शून्यक है। तो यहां देखो 36 - 8 = 48 + k = 0 हो गया। तो देखो इधर कितना आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है, और माइनस का 12 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो देखो आगे है, आगे क्या बोला है कि x बराबर 4/3 दिया हुआ है, ये 0 है, कौन से वाले पॉलीनोमियल का, इस वाले पॉलीनोमियल का। तो हमें ये बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी, यानी कि k का मान ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा जैसा क्वेश्चन है, यहाँ उसने x की वैल्यू डायरेक्ट दे दी, और यहाँ इनडायरेक्ट तरीके से बोल दिया था कि इसका जो HCF होगा वो क्या है, इसका 0 है, या डायरेक्ट उसने x की वैल्यू दे दी। तो अगर ये वाली वैल्यू x की इसका एक 0 है, तो हमें पता है कि अगर ये वाली वैल्यू हम x की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे को इस पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अर्थात इस बहुपद का मान कितना मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट करके इस बहुपद के मान को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। आगे जब सोल्व करोगे तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, तो देखो 6 मल्टीप्लाई
फोर बाई थ्री क्यूब माइनस इलेवन मल्टीप्लाई फोर बाई थ्री स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई फोर बाई थ्री माइनस ट्वेंटी, ये कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो देखो ये नीचे कितना है, थ्री है, इसका क्यूब होगा तो ये कितना हो गया, फोर का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन और सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, और नीचे कितना है, इसको मैं थ्री मल्टीप्लाई नाइन लिख देता हूं, तो देखो इससे ये टू टाइम कट गया, माइनस इलेवन मल्टीप्लाई चार का स्क्वायर कितना होगा सोलह, और तीन का स्क्वायर कितना हो गया नौ हो गया, प्लस ये चार के डिवाइड बाय तीन हो जाएगा और माइनस ट्वेंटी बराबर जीरो हो गया। इसको मैं आगे इधर सोल्व कर देता हूं, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 डिवाइड बाय 9 माइनस और 16 को 11 से करेंगे तो 16 को 10 टाइम करेंगे 160 आएगा, और फिर एक बार और करेंगे तो 16 और जोड़ देंगे 160 में तो 176 डिवाइड बाय 9 और ये प्लस का 4k माइनस थ्री वो डिवाइड बाय थ्री माइनस ट्वेंटी बराबर जीरो होना चाहिए। तो हमें के वाले टर्म को इधर रखना है, बाकी सारे सारे टर्म को क्या करेंगे हम उधर की तरफ ले जाते हैं, और ये माइनस 128 डिवाइड बाय नाइन हो गया और प्लस 176 डिवाइड बाय नाइन हो गया। नीचे वन लगा के एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। देखो तो 4k डिवाइड बाय 3 बराबर कितना होना चाहिए, 9 एलसीएम आ रहा है इसका, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे 9 टाइम होगा, 9 को जब माइनस के 120 से वो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180 माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम डिवाइड होगा, 120 इसको 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा, इसके अंदर डिवाइड करेंगे यहां भी 1 आ रहा है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ गया। अब देखो ये दोनों तो कितने हो गए, माइनस 180 प्लस 176 माइनस का 4 हो गया और माइनस 128 डिवाइड बाय 9 तो ये कितना हो गया, माइनस 132 डिवाइड बाय 9। अब देखो ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये कितने टाइम, 4 टाइम, और 4 टाइम माइनस 44 डिवाइड बाय 3। अगर आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। सॉरी अभी आंसर नहीं निकला है, यहां कितना दिया हुआ है 4k डिवाइड बाय 3 भी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है इसको भी आगे सोल्व करना है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, k की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो मैं इसको यहां सोल्व कर देता हूं, तो 4k डिवाइड बाय 3 किसके बराबर होना चाहिए, माइनस 44 डिवाइड बाय 3 के, तो देखो 3 से 3 डिवाइड हो गया, 4 इधर डिवाइड में आएगा, तो यहां देख लो एक बार हमने सोल्व सही किया ना, यहां 3 नहीं आएगा, यहां 9 था, एक मिनट यहाँ कुछ गलती हुई है हमारे से, एक बार देख लेते हैं इसको, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है हमारा, ये सब कुछ सही है, सारी कैलकुलेशन सही की है हमने, माइनस 20 था उधर की तरफ, सॉरी यहाँ गलती हो गई हमारे से। तो देखो ये जो माइनस 20 था ना, ये उस साइड जाके क्या होगा, प्लस का 20 होगा, ये देखो यहाँ गलती करती है हमने, और ये जो प्लस का था वो उधर जाके माइनस का हुआ था, ये देखो, और ये माइनस का था उधर जाके प्लस का होगा, तो ये कितना होगा, यहां से मैं वापस सोल्व कर देता हूँ इसको, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक होगी, मुझे लगा कि पहले से ही माइनस 20 उधर है, चलो यहाँ इसका गलती को सुधार लेते हैं, प्लस का 180 आएगा तो 180 प्लस 176 कितना हो गया 354 हो गया, 56 हो गया, माइनस 128 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, तो इसका इसमें माइनस करेंगे इसमें से, देखो 56 में से 28 माइनस करेंगे तो 28 बचेगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, डिवाइड बाय 9 हो गया। तो देखो ये आई थिंक डिवाइड हो रहा है इससे, नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 टाइम 1 बचा 6, और इधर कितना हो गया 3 हो गया, तो इस साइड तो कितना बचा 4k डिवाइड बाय 3, और इधर कितना बचा 76 डिवाइड बाय 3, तो 3 से 3 कट गया, 4 इधर डिवाइड में आएगा तो 76 डिवाइड बाय 4, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम 19 टाइम डिवाइड हो रहा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 19 आएगी। तो ध्यान रखना वो जहां मिस्टेक हुई थी उस वाले को स्किप कर देना, हमने वापस किया है क्योंकि देखो ये माइनस 20 था, मुझे लगा यहाँ इक्वल है तो ये उधर जाके माइनस का होगा, तो वो माइनस का था तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या करना है प्लस का लिखना था, वो गलती से क्या कर दिया था हमने माइनस का लिख दिया था, इसको इसके बाद में ये वाले स्टेप करनी है, और उसके बाद में क्या करना है ये वाले स्टेप नोट करनी है, और फिर इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखते हुए फिर इसके बाद में
ये वाले स्टेप करने हैं। तो ये आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना, वो बीच में जो गलती हुई थी उस वाले पार्ट को हटा देना। अब हम देखते हैं कि जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, उसके जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं, अर्थात रैखिक बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जीरो है या नहीं ये चेक करके देख रहे थे। इसके लिए हम क्या करते थे, उस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू पुट करते थे या वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती थी वो पुट करते थे। अगर हमारे को जीरो मिल जाता था उसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो हम बोल देते थे कि जो एक्स की वेरिएबल था वो उसकी जो वैल्यू है वो उसका जीरो अर्थात शून्य कहलाएगा, वरना शून्य नहीं होगा। अब उसने क्या बोला है, पॉलिनोमियल दे दिया और ये पूछ लिया कि बताओ वो वैल्यू कितनी होगी एक्स की, जिसके ऊपर हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो उसने क्या पूछा है कि एक्स की वो वैल्यू बताओ जिसके ऊपर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो यहाँ एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो लीनियर अर्थात रैखिक कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट जो गुणांक में है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसमें केवल कॉन्स्टेंट टर्म रह गया, तो कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, अचर बहुपद अर्थात कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। तो ये हमें नहीं करना था, तो ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर थे, तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, पॉइंट वाला, माइनस में, प्लस में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, हमें क्या करना है, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना था, शून्य ज्ञात करना है। तो हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है कि शून्य ज्ञात करना है, तो एक्स की वो वैल्यू बतानी है जो क्या कर दे, इस वाले पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू को शुरू से ही क्या रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। यानी कि इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख दो, जीरो के बराबर रख दो। जैसे ही हम जीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो पॉलिनोमियल क्या था, ए एक्स प्लस बी, अर्थात जो पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू को हम जीरो के बराबर पुट करेंगे तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बी इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ए इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। इसको यहाँ पुट करके देख लेते हैं ये सही भी है या गलत है, यानी कि इसकी वैल्यू पे हमें क्या मिलना चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलनी चाहिए। तो देखो ए मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए से ए कट गया तो माइनस बी प्लस बी, ये कितना हो गया, जीरो। यानी कि इस वाली वैल्यू पे हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो मिल गई। तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसका एक शून्य होगा, ये इसका एक जीरो होगा। तो यहाँ देखो एक और एग्जांपल किया है मैंने, यहाँ हमारे को px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ 2x-2, तो हमें ये बताना है कि इसका जीरो कितना होगा, अर्थात इसका शून्य कैसे ज्ञात करें। तो क्या करना है, हमें पता है कि इसका जीरो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, शुरू में ही क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख देंगे तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और वो जो एक्स की वैल्यू होगी वही क्या होगी, इस वाले पॉलिनोमियल की, इस वाले शून्य के, मतलब इस वाले बहुपद की का क्या होगा, शून्य होगा। तो देखो px को हमने जीरो के बराबर किया, अर्थात 2x-2 को जीरो के बराबर किया, 2 इधर माइनस में है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इधर 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी x बराबर 1 क्या है, इसका एक जीरो होगा। हम चेक करके भी देख लेते हैं सही है या गलत है। तो देखो यहाँ एक्स के जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 − 2, यानी 2 − 2 = 0। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 1 क्या है, इसका एक शून्य होगा। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर 2-3 अच्छा अच्छा क्वेश्चंस कर लेते हैं। दो और हम एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हमारा ये टॉपिक अच्छे से हमारे क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि यदि x बराबर 2 तथा x बराबर 0, px बराबर 2x³ − 5x² + ax + b के क्या है, जीरो हो जाए, था शून्य है, तो हमें a और b के मान यानी कि उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, बताओ a और b कितना होगा। तो हमें पता है कि अगर x बराबर 2 और x बराबर 0, इसके अगर जीरोज है यानी शून्य है, तो ये दोनों क्या करेंगे, जैसे x बराबर 2 और x बराबर 0 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी, शून्य मिल जाएगी। और हम उसको आगे सोल्व करके देखते हैं, फिर हमें बाकी की जो वैल्यू पता करनी है वो अपने आप निकल के आ जाएगी। तो हमें पता है कि x बराबर 2 इसका 0 है, तो मतलब p2 कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस वाले एग्जांपल के अंदर हम क्या करते हैं, इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर सब जगह पे x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देते हैं, 2 रिप्लेस कर देते हैं और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो 2 × 5 − 2² + 2 × a + b बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो 2³ कितना होता है, 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस यहाँ कितना दिया हुआ है, देखो
चार का स्क्वायर कितना होगा, दो का स्क्वायर कितना होगा, चार, चार को पांच से गुणा करेंगे, माइनस का 20 हो गया, फिर दो को ए से गुणा किया, दो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, जीरो। तो देखो इन दोनों को आपस में सोल्व करते हैं, तो ये माइनस का चार हो गया, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का चार। तो हमारे को एक इक्वेशन मिल गई, टू ए प्लस बी बराबर चार। इसको यूज करेंगे हम आगे, पहले हमें ये भी पता है कि x बराबर जीरो भी क्या है, इसका एक पॉलिनोमियल है, तो इसके ऊपर भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मतलब यहां रखेंगे, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी देखो जीरो आ गया, केवल कितना बच गया, बी बच गया, तो यहां भी जीरो होनी चाहिए। तो यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है डायरेक्ट, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू डायरेक्ट जीरो आएगी, क्योंकि यहां जीरो रखोगे, यहाँ जीरो रखोगे, यहाँ जीरो रखोगे, तो ये तीनों तो जीरो हो गए, केवल क्या बचा बी, और उसको किसके बराबर कर दोगे, जीरो के। तो यानी कि बी की वैल्यू जीरो है। अब इस बी की वैल्यू को कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो देखो यहाँ क्या बनेगा, ए की वैल्यू क्या आएगी, बी प्लस टू ए प्लस बी की जगह जीरो आ जाएगा बराबर चार। उसको आगे सोल्व करोगे तो टू ए बराबर चार, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर डिवाइड बाई टू मतलब टू। तो ए की वैल्यू भी हमने निकाल ली, वो कितनी है, टू है, और बी की वैल्यू कितनी है, जीरो है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन और दिया हुआ है कि x बराबर जीरो और x बराबर माइनस वन, मैंने यहाँ जो सिमिलर है उसको मैंने डेस्टेस से वो कर दिया है। तो देखो ये दोनों क्या है, इस वाली पॉलीनोमियल की क्या है, सुन्नत दिए हुए, तो हमें बताना है कि a और b की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन यहां लिख लेते हैं कि x बराबर माइनस वन और जीरो दोनों इसके पॉलीनोमियल के जीरो है, तो हम x बराबर जीरो के ऊपर वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कितनी मिलनी चाहिए, जीरो मिलनी चाहिए था, शून्य मिलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, x की जगह जीरो रखेंगे तो यही भी जीरो हो गया, और ये कितना बचा, केवल b। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, b की वैल्यू तो डायरेक्ट ही मिल गई, जीरो आई। अब x के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं, तो देखो क्या आएगा, टू मल्टीप्लाई माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस बी बराबर जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पी माइनस वन भी क्या है, इसका एक शून्य है, तो x बराबर माइनस वन के ऊपर भी क्या होनी चाहिए, वैल्यू उसकी जीरो निकल के आनी चाहिए, शून्य निकल के आनी चाहिए। तो देखो माइनस वन का क्यूब ओड है, यानी कि विषम घात है, तो माइनस वन आएगा, तो दो को माइनस एक से गुणा करेंगे, माइनस का दो आ गया, माइनस एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, एक को तीन से गुणा करेंगे माइनस का तीन आ गया, फिर एक को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ए आ गया, माइनस एक से गुणा करेंगे एक को तो माइनस ए आ गया, तो प्लस बी बराबर जीरो आ गया। तो देखो माइनस का दो माइनस का तीन माइनस का पांच, उधर जाके क्या होगा, प्लस का पांच हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, प्लस का पांच। बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, तो उसकी जगह जीरो पुट कर दे, तो यहां से हमें क्या मिला, माइनस ए बराबर पांच मिल गया। दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर माइनस का पांच हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ए की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का पांच। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग लेक्चर थ्री को देखने से पहले लेक्चर वन और टू जरूर देखना, जिससे कि आपको लेक्चर थ्री देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है, कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, जिससे कि मैं अगले वाले लेक्चर में कोशिश करूं कि आपका जितने भी डाउट्स है वो आपके क्लियर कर सकूं। थैंक यू।